रुक करेंगे बीकानेर से, एक बड़ी खबर आ रही है जहां A1 न्यूज का बड़ा खुलासा। मासूम बच्ची को नहर में फेंकने का मामला और सामने आया कलयुगी मां बाप का क्रूर चेहरा। तीन बच्चों के मां बाप ने चौथी संतान को जिंदा नहर में फेंक दिया। सरकारी नौकरी लगने के लालच में मासूम को मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दंपत्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के तीन सिपाहियों की भूमिका इसमें सराहनीय रही। सिपाही रविंद्र, बिट्टू और किशन के प्रयासों से दंपत्ति हिरासत में आए हैं। कोलायत के दियात्रा इलाके में हिरासत में लिए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस खबर को कल प्रमुखता से हमने चलाया था और उसके बाद आज पुलिस ने जहां कल समय पर पहुंचकर बच्ची को बचाने का प्रयास किया था, तो वहीं मात्र 24 घंटे के भीतर इसके मां बाप को भी पकड़ लिया है। बिल्कुल, ये जो चेहरा है इसके क्रूरतम हत्यारे मां बाप का, वो अब सामने आ चुका है और A1 न्यूज पर हमारे दर्शक इस खुलासे को सबसे पहले जान रहे हैं कि ये हत्या इस मासूम की कैसे की गई। दरअसल ये जो माँ बाप है इसके जी, ये इन्होंने इतना घिनौना कार्य किया है और वो भी पढ़े लिखे होने के बावजूद, इन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लालच में अपनी चौथी औलाद को जिंदा नहर में फेंक दिया। इस मासूम बच्ची को, जिसकी आयु मात्र 3.5-4 माह की है, इस बच्ची को इन्होंने जिंदा नहर में फेंक दिया, इंदिरा गांधी नहर में गहरे ठंडे पानी में फेंक दिया और उसके बाद में यहाँ से फरार हो गए। परंतु जैसे ही छत्तीसगढ़ पुलिस को सूचना मिली, पहले बच्ची को बचाने के प्रयास किए गए, बच्ची मृत पाई गई। उसके बाद में पुलिस ने गहन अनुसंधान किया और मात्र बच्ची के माथे पर जो तिलक लगा हुआ था, उस तिलक के आधार पर सुराग ढूंढा और इसके माँ बाप को जा पकड़ा। कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दियात्रा गांव से इसके माँ बाप को राउंड अप कर लिया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस के ये तीनों सिपाही, जिनका नाम रविंद्र, किशन और बिट्टू है, इनके सराहनीय भूमिका रही है। इन्होंने इन तीनों अपने इस माँ बाप को डिटेन कर लिया है और अभी इनसे पूछताछ जारी है। इस बच्ची का जो परिवार सामने आया है वो काफी चौंकाने वाली बात है ऋषभ। यहाँ पर ये मालूम चला है कि इसके पिता, जो कि एक संविदा पर लगे हुए शिक्षक हैं, वो सरकारी नौकरी लगने के लिए, क्योंकि तीन बच्चों की बाध्यता सामने आती है, अगर सरकारी आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके। रवि, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इसके जो पिताजी हैं ये एक शिक्षक हैं, चौथी संतान थी, इसको नहर में फेंक दिया। इससे ज्यादा क्रूरतम, इससे ज्यादा क्रूर कोई मानव का चेहरा, माँ बाप का चेहरा सामने नहीं आ सकता। और ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना जो है, ये छत्तीसगढ़ के पास में जो इंदिरा गांधी नहर है वहां घटित हुई है। जी ऋषभ। रवि, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने भी एक बात की कि संविदा पर शिक्षक लगे हुए हैं, एक शिक्षक, इतनी क्रूर हत्या जो लोगों में सिरहन पैदा कर दे। बिल्कुल ऋषभ, सिहन पैदा करने वाली खबर है ये। जिसने भी इस खबर को देखा है, जिसने भी इस मासूम बच्ची का चेहरा देखा है, वो सदमे में है। ये प्रत्येक उस व्यक्ति की हालत है जो संवेदनशील है। और इस मासूम बच्ची को इसी के सगे माँ बाप ने इसके छोटे भाई की मौजूदगी में जिंदा नहर में फेंका है, और वो भी तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई से नहर की पुलिया पर खड़े होकर ठंडे गहरे पानी में फेंक कर अपनी इस मासूम को, और वो वहां से फरार हो गए। और जब पुलिस ने, इन तीनों सिपाहियों ने उसकी सराहनीय भूमिका से जब ये दस्तयाब हुए, ये इनको पकड़ा गया, तब मालूम चला कि साहब ये तो सरकारी नौकरी लगने के लालच में अपनी चौथी औलाद को इन्होंने जिंदा नहर में फेंक दिया। जी ऋषभ। रवि, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग, और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, फिलहाल पुलिस इनके खिलाफ अब किस तरह की कार्रवाई करने में जुटी हुई है? बिल्कुल, इनको सख्त से सख्त सजा, कानूनी सजा जो है वो दिलवाने के प्रयास पुलिस के रहेंगे। हर कोई इस खबर से विचलित है, हर कोई इस करतूत से विचलित है। ये जो परिवार है, माँ बाप जो हैं, जिनको माँ बाप कहना भी शायद अतिशोक्ति होगा, इन्होंने अपनी मासूम के साथ जो कृत्य किया है, परंतु ये जो दोनों जो राउंड अप किए गए हैं, ये चौंकाने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति यात्रा से चलकर अपने ससुराल में आता है, जहां पर 3 माह पहले इस बच्ची का जन्म हुआ है, और पहली बार उसको तिलक लगवाकर उसके ननियाल से उसकी पूजा अर्चना करवा के और मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी के साथ लेकर इसे अपने अपने गांव ले जा रहा था। परंतु रास्ते में उसके जो ख्याल था, वो ख्याल ये था कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है और ये बच्ची इस दुनिया में आ गई और इस बच्ची को जो है इसको खत्म करना है, और इसीलिए उसने इस बच्ची को नहर में फेंक दिया। अब ना तो वो सरकारी नौकरी लग सकता, ना वो संविदा पे जो कार्यरत है वहां रह सकता, उल्टा उसे अब जेल के पीछे जाना पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और एक ऐसा समाज में इतना गंदा मैसेज इस व्यक्ति ने
और इसकी बीवी ने छोड़ दिया है, जो जिसको जिसकी जो छाप है। रवि, एक बड़ा प्रश्न यही उठता है कि बच्चा कैसा भी हो, लेकिन कहा जाता है कि माँ कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन ऐसे चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि आज के समाज में ऐसी कुमाता भी मौजूद है। बिल्कुल, बेहद शर्मनाक, बेहद शर्मनाक, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस माँ बाप ने एक ऐसे लालच के लालच को पूरा करने के चक्कर में अपनी चौथी संतान को इस तरह से मौत के घाट उतारा है कि हर कोई सिहर जाए। फिलहाल पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले चुकी है, मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। समूची घटना का पटाक्षेप खुद एसपी योगेंद्र यादव जो है वो कुछ देर बाद में करेंगे। उससे पहले A1 न्यूज पर हमारे सूत्रों के हवाले से ये सारी जो दर्दनाक खबर है वो सामने आ चुकी है। अब जो जो इन दोनों से पूछताछ के बाद में पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है, कितना जल्द इनके ऊपर कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इनकी इनकी जो वारदात इन्होंने दी है इसको अंजाम तक पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। रवि, एक प्रश्न रहेगा मेरा, एक फोटो चल रही है जिसको ब्लर करके चलाया जा रहा है, ये फोटो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी से निकलकर सामने आई है या इनकी ये वास्तविक तस्वीर है? ये ऋषभ, इनकी वास्तविक तस्वीर है। और इनको राउंड अप करने के बाद में ये जब इनको राउंड अप किया गया, उस ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये अपने पीहर से, ससुराल से, ये व्यक्ति अपने ससुराल से उस बच्चे की ननिहाल से इसको लेकर रवाना हो रहा था। ये तस्वीर उस वक्त की है। चूंकि पुलिस अब इस मामले की तह तक पहुंच चुकी है और बेहतरीन काम पुलिस ने किया है, और जब वहां पर ये पहुंची इस बच्ची के ननिहाल जहां से इसको कुछ देर पहले ही लेकर बाइक पर रवाना हुआ गया था, और ये कहकर कि वो अपनी पहली बार अपने ददियाल ये बच्ची जाएगी और उसकी माँ के साथ और इसके छोटा भाई ये 4 साल का उसके साथ रवाना हुआ गया था। ये जो हत्या हुई है नहर में फेंकने की, ये जो पूरी घटना हुई है, ये इस मासूम जो इसका बड़ा भाई था जो 4 साल की जिसकी उम्र है उसकी आंखों के सामने हुई है। ये तो गनीमत वहां ये रही कि आसपास के लोगों ने देख लिया, बिल्कुल आवाज सुनी, नहर से कुछ नीचे गिरने की आवाज सुनी पानी में, और उसके बाद में जो दौड़ के वो पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी को फेंका गया है, और वो दो ग्रामीण थे वहां पर वो तुरंत नहर में कूदते हैं और एक उनमें से पुलिस को सूचना देता है। पुलिस भी तुरंत रेस्पॉन्स टाइम जो है उसका कम से कम वो लेते हुए मौके पर पहुंचती है। पुलिस वाले भी नहर में छलांग लगाते हैं और काफी दूर तक इस बच्चे की तलाश की जाती है, परंतु जब इस बच्ची को निकाला जाता है तो वो दम तोड़ चुकी होती है। हालांकि पुलिस ने सीपीआर देने की कोशिश की, इसकी जान बचाने की वहां पर कोशिश की है कि किसी तरह से इस बच्ची में प्राण वापस। कल आपने जो कल जो विजुअल हमने चलाए थे उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि पुलिस के जो सिपाही थे उन्होंने बेहद प्रयास भी किया कि इस बच्ची को बचाया जा सके। रवि, एक अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा, जैसा आपने बताया कि ये मायके से निकले थे और बच्ची अपने ददियाल जा रही थी, तो परिवार वालों का क्या कुछ निकलकर सामने आया, अगर बात हुई हो? बिल्कुल, देखिए, ये ननिहाल से बच्ची रवाना हुई है अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ और अपने छोटे भाई के साथ, और ये तो मासूम थी, परंतु इसके माँ बाप को कहीं न कहीं इस योजना का उन्होंने पहले बना रखी थी, और इस बच्ची का अंजाम किस तरह से उन्होंने मौत के घाट उतारना था, ये तमाम जो घिनौनी हरकत थी उन्होंने सोच रखी थी, और तय उनके जो साजिश थी उसके तहत उन्होंने इस बच्ची को नहर में फेंका है। तो इसके ननिहाल में तो ये सूचना नहीं थी, हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने जब हुलिये के आधार पर, उस तिलक के आधार पर तलाश की, तब सारी परतें सामने आई, और उसके बाद में इसका ननिहाल भी काफी सकते में है, काफी काफी विचलित है वो भी अपने दामाद की हरकत के चलते, अपनी बेटी की हरकत के चलते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थे। कल सबसे पहले A1 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, और इस सिपाही रविंद्र, बिट्टू और किशन के जो प्रयास थे वो बेहद सराहनीय रहे। सबसे पहले उन्होंने इस बच्ची को बचाने का प्रयास किया, और उसके बाद मात्र एक तिलक के सहारे इसके क्रूर इंसानियत वाले इन माँ बाप तक पहुंचे और इन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने का मामला, माँ बाप के रिश्तों को शर्मसार करने वाला कि 3-3.5 महीने की एक मासूम बच्ची को इस कड़कती ठंड में नहर में फेंक दिया और बच्ची की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।